आईवी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाने में जुटी यूपी पुलिस के हाथ बलात्कार के आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रहे, जिसके चलते ही गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार को आरोपियों की दबंगई की वजह से गाँव से पलायन करना पड़ा और पुलिस अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पीड़ित का परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। हालांकि पुलिस इस मामले में पलायन के बाद से साफ इनकार कर रही है। कोतवाली शाहबाद इलाके के मनिकापुर गांव में जिस घर में आप तस्वीरों में ताला लगा देख रहे हैं, यह ताला लगा घर एक गैंगरेप पीड़िता का है। दरअसल गैंगरेप पीड़िता ने विगत 16 जून को कोतवाली शाहबाद में एक प्रार्थना पत्र दिया था और गाँव के ही 4 युवकों पर शौच किए जाते समय सामूहिक दुष्कर्म करने का और अश्लील फोटो खींचने का आरोप मुकेश वीरपाल लालू गांव के ही दूसरे मुकेश पर लगाया था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी मुकेश के खिलाफ मामला दर्ज किया और बाकी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। गैंगरेप पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनसे अपनी बेटी के साथ हुए इस जघन्य अपराध की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन इलाकाई पुलिस ने पहले तो कुछ आरोपियों को पकड़ा लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। जब वो लोग गाँव पहुंचे तो उन्हें तमंचा दिखाकर गोली मारने की धमकी दी गई और उन पर फैरवी न करने का दबाव बनाया जा रहा था। उनका परिवार अब गांव से पलायन कर चुका है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मुकदमा एक मुकेश नाम के युवक के खिलाफ दर्ज कराया गया है और विवेचना में 164 के बयान के आधार पर और भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पलायन की बात से पुलिस ने साफ तौर पर इनकार किया है, लेकिन दबंगई के चलते घर छोड़ने की बात पर पुलिस अधिकारी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं। और हुआ मुकेश ने और लालू और दूसरे मुकेश और वीरपाल ने गंदा काम किया और फोटो भी खींची और बेहोश हम हो गए। तो लड़की को कई टट्टी फिर ने उनका पकड़ लिया, 4 जन ने पकड़ के ले गए। काम करा आप, काम करके फिर गए और फिर उनका गए यहाँ कही आए पुलिस ने पकड़े नहीं, पकड़ के फिर छोड़ दिया। लड़की ने अनुसूचित जाति की लड़की है, उसने मुकेश नामक व्यक्ति के खिलाफ उसने मुकदमा लिखाया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसका मेडिकल कराया गया और 164 का बयान अभी नहीं हुआ है। 164 का बयान होना शेष है, आज या कल उसका 164 का बयान हो जाएगा। उसके बयान में जो भी तथ्य सामने आएंगे, लड़की जो भी बयान करेगी और जो भी उपलब्ध साक्ष्य होंगे उसके अनुकूल कार्रवाई कराई जाएगी।